Assalamu alaikum class, welcome to the very first lecture of web engineering web technologies. This is 3 credit or course. इसमें हमारे पास थ्योरी भी होगी और हमारे पास लैब भी होगी, कोडिंग भी होगी हमारी वेब की कि किस तरह हम वेबसाइट्स बनाते हैं, क्रिएट करते हैं और ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप डाटा गेट कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे आप सबको वेबसाइट्स क्रिएट करनी आ जाएंगी. आप सब मुझे एक सेमेस्टर के एंड पे एक प्रोजेक्ट देंगे, सब एक वेबसाइट डेवलप करेंगे एंड दिस इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग कोर्स. और इसकी कोडिंग सबसे आसान है जो अभी तक के आपके कोर्सेज हैं. दिस एंड डाटाबेस, ये दो कोर्सेज आपकी पूरी डिग्री में इतने आसान हैं और इनकी कोडिंग इतनी इंटरेस्टिंग है कि हर एक स्टूडेंट की इन दो कोर्सेज पे ग्रिप हो सकती है. ओके, वेब टेक्नोलॉजीज़ और वेब इंजीनियरिंग, आइदर इन दोनों का नाम हमें क्या सजेस्ट करता है? आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, किस तरह सॉफ्टवेयर को इंजीनियर किया जाता है. जो पाँच हमारी बेसिक फेजेज हैं उन पाँच फेजेज को कंसिडर करते हुए जब भी आप कोई चीज़ डिवेलप करते हैं तो वो आपका बेस्ट एक्यूरेट सॉफ्टवेयर होता है. इसी तरह जब वेब के लिए आप कुछ स्पेसिफिक वो फाइव रूल्स जिसमें है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, जब आप ये सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं तो आपके पास जो वेबसाइट एट द एंड ऑफ द डे बनती है वो एक इंजीनियर हुई होती है वेबसाइट, यानी कि वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ प्रॉपर डिफाइंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करी होती है. दिस इज़ कॉल्ड वेब इंजीनियरिंग. ओके, वेब इंजीनियरिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? हम HTML पढ़ेंगे जो बेसिक कोर कंपोनेंट्स हैं. देन सेकेंड कंपोनेंट इज CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसको हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं. थर्ड वन इज़ PHP एंड फोर्थ वन इज़ डेटाबेस. ये जो फोर मॉड्यूल हैं ये पूरे चार के चार मॉड्यूल हम अपने वेब के कोर्स में कवर करेंगे. जो सबसे पहला मॉड्यूल है वो आपका क्या है? HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ओके, ये कुछ समरी है लेयर्ड आर्किटेक्चर, जो सॉफ्टवेयर आप पढ़ चुके हैं, जो भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होती है उसका आर्किटेक्चर क्या होता है. सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए आपके पास पांच को डिफाइंड रूल्स होते हैं, वो कौन से रूल्स होते हैं आप पिछले कोर्सेज में कवर कर चुके होंगे. लेयर्ड अप्रोच आर्किटेक्चर क्या होता है, थ्री लेयर्ड आर्किटेक्चर क्या होता है, लेयर आर्किटेक्चर होता है. आप इस स्लाइड को निगलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें जितनी भी हिस्ट्री दी हुई है वो आपके प्रीवियस कोर्सेज की लेक्चर्स की दी हुई है कि किस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो स्टेप्स फॉलो होते हैं वो आप फॉलो करके वेबसाइट को अपनी को इंजीनियर कर सकते हैं. जो हमारा बेसिक फर्स्ट लेक्चर है उसकी आउटलाइन क्या है? इंट्रोडक्शन टू HTML, कि HTML है क्या, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज, कि हमने कोई पेज HTML का डेवलप करना है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टैग्स इन दी HTML एंड लिस्ट्स इन HTML, ये चार चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे. ओके, HTML हम बार बार पढ़ी जा रहे हैं. वट इज़ दिस HTML? HTML is hyper text markup language. H for hyper, T for text, M for markup and L for language. The languages of web pages on the world wide web. ऐसी लैंग्वेज जो कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी www पे वेब पेजेस हमें शो कर रहे होते हैं, जो वेब पेजेस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं वो कौन सी लैंग्वेज होती है? HTML की लैंग्वेज होती है. हाइपर टेक्स्ट इसमें किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है एंड मार्कअप लैंग्वेज किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है हम वन बाय वन देख लेते हैं. अलाउज फॉर द नॉन लीनियर लिंकिंग टू द अदर डॉक्यूमेंट्स. हाइपर टेक्स्ट किस लिए यूज़ होता है? जब आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक करना होता है. और मार्कअप लैंग्वेज क्या करती है? कंटेंट इज़ मार्क अप और टैग्स टू टेल द ब्राउजर हाउ इट इज़, हाउ टू डिस्प्ले इट. मार्कअप लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट टैग्स होते हैं, वो टैग्स जो हैं वो आपके वेब ब्राउज़र यानी कि गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी आपका ब्राउज़र है उसको ये बताते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो किस तरह डिस्प्ले होगा आपकी वेबसाइट पे. ओके, इट इज़ कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज बिकॉज इट कंटेन सेट ऑफ मार्कअप टैग्स. क्यों हम HTML को मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं? हम HTML को इसलिए मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत से टैग्स अवेलेबल होते हैं, उन टैग्स को यूज़ करते हुए हम अपना कोई वेब पेज डिवेलप करते हैं. अच्छा, HTML इज़ अ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज. क्या होती है हमारी HTML? एक टेक्स्ट को किस तरह फॉर्मेट करना है वो लैंग्वेज है. HTML स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, जिसको क्या कहते हैं? W3 स्कूल. W3 स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ये 3 W's हो गए एंड कंसोर्शियम सिंपल एक वर्ड है. ये जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम है जो WWW हम यूज़ करते हैं, HTML का स्टैंडर्ड इस वर्ड W3C ने अप्रूव किया हुआ है, जिसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? टिम ली. ये जो टिम ली है ये डेवलपर है, ये ऑथर है आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस का.
आप सब ने ये बहुत ये अगर आप सब ये अगर व्यू करना चाहते हो कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो वो स्टैंडर्डाइज हुई है जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, आप इस लिंक पे जाके व्यू कर सकते हो। WC इज अ वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम जो कि सारी दुनिया की जितनी भी वेबसाइट्स हैं और जितनी भी वेबसाइट से रिलेटेड डेटा है उन पर जो काम हो रहा है उनको हैंडल करती है। ओके, क्या करती है HTML डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस के मेरी वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होगा, हेडर कहाँ आ रहा होगा, फुटर कहाँ आ रहा होगा, लेफ्ट साइड पे कौन सी चीज़ डिस्प्ले होगी, राइट साइड पे कौन सी चीज़ डिस्प्ले होगी, कितने सेंटीमीटर मार्जिन रखना है, आपके पेज का सारा स्ट्रक्चर डिफाइन करती है और डिटरमाइंस हाउ द डेटा इज डिस्प्ले ऑनलाइन। जब आपके पास नेट अवेलेबल है ग्रीक्स फॉर ग्रीक्स में किस तरह डेटा नज़र आएगा, आपके पास डेटा साइंस में किस तरह से डेटा डिस्प्ले होना चाहिए, सब कौन डिसाइड करता है, हमारा HTML डिसाइड करता है। ओके, इट हैज़ अ सेट ऑफ द स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एडिड इन द टेक्स्ट एंड टू ऐड फॉर्मेटिंग एंड लिंकिंग इन्फॉर्मेशन। हम HTML लैंग्वेज टेक्स्ट के अंदर इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसको फॉर्मेट कर सकें और अगर एक पेज को किसी दूसरे पेज से लिंक करना चाहते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू हो रही होती है, HTML के थ्रू हो रही होती है। ओके, इट इज़ डायरेक्टली इंटरप्रेटेड बाय द ब्राउज़र। आप जब भी HTML लैंग्वेज यूज़ करके कोई भी चीज़ लिखते हैं तो ब्राउज़र उसको डायरेक्टली इंटरप्रेट कर लेता है, उसको उसके बाद कोई बाइनरी कोड्स या इस तरह की चीज़ों में कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट HTML के जो टैग्स होते हैं वो ब्राउज़र जो है वो समझ रहा होता है। ओके, HTML इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द डिफरेंट HTML टैग। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो ये लैंग्वेज है इसके अंदर बिल्ट इन टैग्स डिफाइन हैं, वो बहुत सारे टैग्स हैं, वो हम वन बाय वन अभी कवर करेंगे अपने लेक्चर में। नेक्स्ट 8 वीक तक तकरीबन हम HTML ही कवर करेंगे, आफ्टर मिड्स हम PHP पे जाएंगे और डेटाबेस पे जाएंगे। ओके, ईच HTML टैग डिस्क्राइब्स द डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन कंटेंट। हर टैग जो है वो हर एक डॉक्यूमेंट का डिफरेंट कंटेंट बता रहा होता है, यानी कि एक हेडर का टैग है तो वो बताएगा कि पेज के हेडर पे क्या आना चाहिए, एक फुटर का टैग है तो वो बताएगा पेज के बॉटम पे क्या आना चाहिए। ओके, बोल्ड में हेडिंग आनी चाहिए तो पेज पे हेडिंग किस तरह की होनी चाहिए, सारी HTML के टैग जो हैं वो हर एक डॉक्यूमेंट में किस तरह कंटेंट नज़र आता है, इस पेज पे किस तरह कंटेंट नज़र आएगा, उस वेब पेज के लिए सारी चीज़ें कौन डिस्क्राइब करता है, HTML डिस्क्राइब करता है। HTML को सबसे पहले किसने क्रिएट किया था, टिम बर्नर्स-ली ने डिफाइन की थी, क्रिएट की थी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कब, 1991 में स्विट्जरलैंड यूनिवर्सिटी में। ओके, इट वाज डिजाइंड टू अलाउ द साइंटिस्ट टू डिस्प्ले एंड शेयर देयर रिसर्च। बेसिकली इसमें पर्पज़ इसलिए इस पर्पज़ के लिए वेब क्रिएट की गई थी ताकि जो बहुत सारे दुनिया में साइंटिस्ट हैं आपस में हर कोई अपनी अपनी रिसर्च करे, बहुत सी चीज़ें प्रोड्यूस करे, उनको एक यूनिक प्लेटफॉर्म, एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म मिल जाए, वो सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म इंटरनेट और वेब के थ्रू लिंक हो, जहाँ पर वो सब लोग दुनिया के जिस भी कोने में बैठे हैं एक जगह आके अपनी सारी रिसर्च शेयर कर सकें। बेसिक पर्पस ये था टिम ली का HTML को डिज़ाइन करने का। ओके, 1995 में HTML2 इंट्रोड्यूस हो गई थी, लॉट्स ऑफ ब्राउजर हैड एडेड देयर ओन बिट्स टू HTML। HTML2 में क्या था, डिफरेंट ब्राउजर थे, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आपके पास ओपरा है, क्रोम है, ये जो डिफरेंट ब्राउजर हैं, डिफरेंट ब्राउजर ने अपनी बिट्स अटैच कर दी HTML टैग्स के साथ उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो 1995 में हुई। ओके, कुछ हिस्ट्री है, मैं आपको वही हिस्ट्री थोड़ी सी एक्सप्लेन करी, अदरवाइज इसको याद करने की रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, माइनर को एक MCQ आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, डैन कॉनली एंड कुलीग्स कलेक्टेड ऑल द HTML टैग्स दैट वर वाइडली यूज्ड एंड कलेक्टेड देम इनटू द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट्स। डैन कॉनली जो था उसने क्या किया, टिम ली ने जितनी भी HTML के टैग्स डिफाइन किए थे उन सबको कंबाइन करके एक ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट में रख दिए। तो 1997 में HTML 3.2 इंट्रोड्यूस हुई जब उसने उन सारे टैग्स को कंबाइन करके रख दिया। इट वॉज द फर्स्ट वर्जन डिवेलप्ड बाय द स्टैंडर्डाइज्ड एक्सक्लूसिवली बाय द W3 स्कूल। जो HTML3 थी ये वो पहली लैंग्वेज थी जो W3 यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम ने स्टैंडर्डाइज की थी। इसके बाद जितने भी HTML के वर्जन आए, वो 4 वर्जन आए, जो अभी लेटेस्ट 5 चल रहा है, वो सारे के सारे वर्जन आगे से W3 स्कूल से W3C से स्टैंडर्डाइज हैं। ओके, HTML 3.2 included the support for the applet, text, flow around images, scripts and superscripts and superscript. W3 schools इन सारी चीज़ों को support करी थी। 1999 में HTML 4.1 introduce हुई थी, ये 3.2 का extended version था। Extended version में क्या आया, स्टाइल शीट्स आ गई, scriptings आ गई और different frames आ गए, और HTML 5 जो है ये dynamic web development के लिए introduce हुई, जो आजकल हम वेबसाइट यूज़ करें जिसमें Facebook में रन टाइम पे हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा होता है, न्यूज़ फीड आ रही होती, वो सब कुछ आजकल किस पे बना हुआ, HTML 5 पे बना हुआ। ओके बेटे, ये सारी हिस्ट्री थी थोड़ी सी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, इसको बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं,
जो मेन चीज़ है हमारे कोर्स के HTML, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये HTML टैग्स से। ओके, क्या होते हैं ये HTML टैग्स? टैग्स आर द इंस्ट्रक्शंस दैट आर डायरेक्टली एम्बेडेड इनटू द टेक्स्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल ए बी सी, जो भी आपका पैराग्राफ है, उसके इर्द गिर्द कोई टैग्स लगे होते हैं, ठीक है। वो जो टैग्स होते हैं वो इसलिए होते हैं ताकि ब्राउज़र है, यानी कि गूगल क्रोम है, वो समझ सके कि ये ए बी सी टेक्स्ट किस फॉर्म में शो कराना है, बोल्ड शो कराना है या अटैलिक्स में शो कराना है, या ए के बीच में स्पेस शो करानी है, फिर बी के बीच में स्पेस शो करानी है। ये सारा काम कौन करते हैं? हमारे टैग्स करते हैं। इसलिए हम टेक्स्ट के गिर जो है वो टैग्स एम्बेड कर देते हैं HTML लैंग्वेज में। इज अ सिंगल टू अ ब्राउज सिग्नल टू अ ब्राउजर टू डू समथिंग जस्ट बिफोर थ्रोइंग द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। ये टैग्स क्या बताते हैं? ये ब्राउजर को बताते हैं कि ये अब ये जो ए बी सी तुम दिखाने लगे हो यूज़र को वेब पेज पे, वो बोल्ड होनी चाहिए, इनके बीच में कोई स्पेस होनी चाहिए, ये अटैलिक होनी चाहिए, या जिस किस्म की भी आपने कंडीशन रिक्वायर्ड है आपकी वेबसाइट पे, ये टैग्स जो हैं वो ब्राउज़र को ये चीज़ बताते हैं कि बजाय इसके कि आप एज इट इज़ ये टैक्स उठा के यूज़र को डिस्प्ले करा दें, इसमें कुछ एडिटिंग करनी है और फिर ये यूज़र को डिस्प्ले कराना है। ओके, बिगिन विद द ओपन एंगल ब्रैकेट एंड एंड्स विद द क्लोज एंडेड ब्रैकेट। टैग्स हमेशा ओपन एक एंगल ब्रैकेट से शुरू होता है और क्लोज भी एंगल ब्रैकेट से होता है। एग्जाम्पल लिखी हुई है टैग की, जब भी आप टैग लिखते हो तो उसको स्टार्ट किससे करना है, ये एंगुलर ब्रैकेट से, और उसको एंड किससे करना है, इस क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट से, और इसके बीच में आपका ये वाला जो एरिया, ये आपके टैग का नाम है। अब HTML खुद मेरे पास क्या है, एक टैग है जो कि डिफाइन करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को। ओके, HTML टैग दैट नॉर्मली कम इन पेयर लाइक पी एंड पी। सेकेंड कंडीशन क्या है? एक तो ये किस में होना चाहिए, टैग HTML का एंगुलर ब्रैकेट में होना चाहिए, ठीक है, ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट हो और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट हो। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए टैग्स की, कि टैग के हमेशा पेयर होता है, ये P लिखा है तो इसके साथ क्लोजिंग P भी होना चाहिए। क्लोजिंग P और ओपनिंग P में फ़र्क क्या है, कि ओपनिंग P के पीछे बैक स्लैश नहीं लगी हुई, ठीक है, और क्लोजिंग P के पीछे ये वाली बैक स्लैश जो है ये लगी हुई है। The first tag in a pair is the start tag and the second tag is end tag. हमेशा जो पहला टैग होता है वो पेयर का स्टार्टिंग टैग होता है, और जिसके साथ स्लैश लगी होती है वो कौन सा टैग होता है, एंडिंग टैग होता है। The end tag is written like the start tag but with a slash before the tag name. यही चीज़ मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन की कि जो स्टार्टिंग टैग है उसमें स्लैश नहीं लगी होती, और जो एंड वाला टैग है उसमें टैग के बिल्कुल स्टार्ट होने से पहले स्लैश लगी होती है। ये पेयर बताया हुआ टैग का, पेयर टैग क्या है HTML, ये स्टार्टिंग टैग है, और HTML का क्लोजिंग टैग क्या है, इसके बीच में बैक स्लैश लगी हुई है। और सिंगुलर टैग जो है इसमें कोई भी पेयर एग्जिस्ट नहीं करता। ये BR ब्रेक वाला जो टैग है, यानी कि पेज को डिवाइड करने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं, वो सिंगुलर टैग है, इसमें BR का साइन है। ओके, HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। आप बड़ा लिखो या छोटा लिखो, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। ब्लैंक एंड न्यू लाइंस आर इग्नोर्ड। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने लाइंस छोड़ी हैं तो वो कोड चलेगा या नहीं चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इग्नोर कर देता है उन लाइंस को। कमेंट अगर लिखना हो आपने HTML में तो उसका ये सेंटेक्स है, आपने एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, उसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, इसके अंदर जो भी आप कमेंट लिखना चाहते हो कमेंट लिखें और एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर दें। HTML की जो भी फाइल्स है वो हमेशा .html की एक्सटेंशन से ही सेव होती है, जिस तरह आप अपनी C++ की फाइल .cpp से सेव करते थे और कोड रन करते थे, जावा की फाइल .javac से सेव करते थे और कोड रन करते थे, इसी तरह HTML की फाइल जो है वो आप किसे सेव करते हो, .html की एक्सटेंशन से सेव करते हो। और ये एक स्ट्रक्चर बताया हुआ HTML पेज का, जब भी आपने कोई भी लैंग्वेज क्रिएट करनी है, डाटा सेट करना है, तो सबसे पहला टैग जो है वो आपने किसका लगाना है, HTML का, क्योंकि हमें पता है कि हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पे काम करें। आपने जैसे ही HTML का टैग ओपन किया, फ़ौरन इसके साथ क्या करो, एक क्लोजिंग टैग भी क्रिएट कर लो। फ़र्क क्या ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में, क्लोजिंग टैग से पहले स्लैश लगी हुई है। ओके, सेकंड, जब भी आप कोई भी वेब पेज डेवलप करने लगते हो तो उसके पास दो पोर्शन होते हैं, एक उसका हेडर का पोर्शन होता है और दूसरा उसका बॉडी का पोर्शन होता है। हेडर वाले पोर्शन का मतलब ये होता है कि आपके वेब पेज में जो यहाँ पर टैग आ रहा होता है, यहाँ पर रखा होता है क्रॉस, यहाँ पर लगा होता है एक बॉक्स, और यहाँ पर एक लगा होता है आइकन मिनिमाइज का, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर क्या आएगा, ये किस पोर्शन से आता है, इस हेडर वाले पोर्शन से आता है, ठीक है। हमेशा हेडर वाले पोर्शन के अंदर आपने अब टाइटल लिखना है, पेज का टाइटल क्या है, यहाँ पर लिखा आएगा पेज टाइटल। आपने इसके लिए कौन सा टैग ओपन करना है, टाइटल
बैक स्लैश लगाया टाइटल, और उसके अंदर कोई भी पेज का टाइटल लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया यहाँ पर ए, यहाँ पर लिख दिया बी और यहाँ पर लिख दिया सी। अब जैसे यहाँ पर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास जो वेब पेज ओपन होएगा, यहाँ पर लिखाएगा ए, यहाँ पर लिखाएगा बी और यहाँ पर लिखाएगा सी। इसका क्या मतलब कि आपके पेज के हेडर के अंदर जो टाइटल आएगा वो क्या होगा, ए बी सी। सेकेंड चीज़ हमारे पास HTML में क्या होती है, बॉडी। कि इस पूरे वेब पेज में जहाँ पर ये क्रॉस और इस चीज़ का साइन है, सपोज़ कि ये मैंने पूरा पेज बना दिया, अब इस वाले एरिया में क्या क्या लिखाना चाहिए, किस तरह लिखाना चाहिए, पिक्चर किधर आनी चाहिए, कौन सा डाटा किधर आना चाहिए, वो किस से पता लगता है, इस बॉडी वाले पोर्शन से ज़्यादा पता चलता है। ओके, बॉडी वाले पोर्शन में भी हमने सिर्फ सिखाने के लिए तीन टैग्स यूज़ किए हैं। जो हेडिंग वन का टैग है उसको क्या लिखते हैं, एच वन। दूसरा पी वाला टैग जो है ये बताता है ये पैराग्राफ है, और ये भी पी वाला टैग दोबारा हमने यूज़ किया एक पैराग्राफ के लिए। अब एच वन के छः टैग्स हैं, एच वन से लेके एच सिक्स तक हमारे पास टैग्स एग्जिस्ट करते हैं। ये किसके लिए होते हैं, हेडिंग टैग। इसको क्या कहते हैं, हेडिंग टैग। सबसे वन जो हेडिंग है ना, ये सबसे बड़ी नज़र आती है, और सिक्स जो है वो सबसे छोटी हेडिंग नज़र आती है। ये मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हेडिंग के टैग्स हम सारे पढ़ेंगे तो समझ आएगी। अभी सिर्फ आप इधर इतना समझ लें कि बॉडी वाले टैग का मतलब ये है कि बॉडी में क्या क्या आना चाहिए, इस पेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें किस तरह डिस्प्ले होनी चाहिए। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाती हूँ, आप लोगों को देन समझ आएगी। ओके, दी एंटायर वेब पेज इज इनक्लोज इन दी HTML, ये मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ये देखें, ये HTML का मेरा टैग था, मैंने एज इट इज़ लिखा, और इस HTML के टैग के साथ फ़ौरन मैंने इसका क्लोजिंग टैग लिख दिया। देन मेरे हेड का टैग था, हमेशा जब भी पेपर बनाते हैं, ये देखें जिस तरह आपको यूनाइटेड नोट पैड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर मैक्सिमाइज का साइन और यहाँ पर क्लोज का साइन नज़र आ रहा है। अब ये जो यूनाइटेड नोट पैड आ रहा है ये किस वाले एरिया से आ रहा है, इस हेड वाले पोर्शन से आ रहा है लिखा हुआ नज़र। ठीक है, आपने हेड का टैग ओपन किया, साथ ही क्लोज कर दिया। अब इस हेड के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए, ऑब्वियसली पेज का टाइटल होना चाहिए। मैंने उसका टाइटल क्या रखा है, माई फर्स्ट HTML पेज। देन बॉडी वाला पोर्शन है, अब देखें इस नोट पैड के अंदर ये वाला जितना भी पोर्शन है ये सारा बॉडी वाला पोर्शन है। इसके अंदर क्या नज़र आना चाहिए मुझे, वेब पेज के अंदर यानी क्रोम के अंदर क्या नज़र आना चाहिए, लिखा हुआ हेलो वर्ल्ड। मैंने बॉडी का टैग ओपन किया, उसके साथ ही बॉडी का टैग क्लोज कर दिया, और अब इसके अंदर क्या लिखना चाहती हूँ वो मैंने इसके अंदर लिख दिया। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी, अब इसको सबसे पहले सेव करने के लिए आपने सेव कैसे करना है, ट्राई, आपने लिखना है ट्राई, इधर नोट पैड पर ये सारा कोड आपने अपने पास लिख के आपने लिखना है try.html। ठीक है, इसको आपने कहीं भी सेव कर लेना। जैसे ही आप सेव करके इसको रन करेंगे ये गूगल क्रोम पे खुलेगा तो आपको इस तरह का रिजल्ट नज़र आएगा, इस तरह का। तो आप देखें माई फर्स्ट पेज कहाँ लिखा रहा है, पेज टाइटल में। हमने क्या लिखा था कि पेज टाइटल में क्या लिखा हुआ नज़र आए, माई फर्स्ट HTML पेज लिखा हुआ नज़र आए। ओके, सेकेंड मेरे पास क्या था, हेलो वर्ल्ड। के पेज की बॉडी के अंदर मुझे क्या लिखा हुआ नज़र आना चाहिए, इस बॉडी के अंदर हमने देखो एक ही चीज़ लिखी थी, क्या लिखी थी, हेलो वर्ल्ड, और वो कहाँ डिस्प्ले हो रही है, ये हेलो वर्ल्ड में डिस्प्ले। दिस इज़ HTML के टैग। ओके, अब बॉडी के टैग में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, उसके फर्दर एट्रीब्यूट भी हैं। किस चीज़ के फर्दर एट्रीब्यूट हैं, इस बॉडी वाले टैग के, इस टैग के। ठीक है, जहाँ पर लिखा हुआ BODY डिवाइस के अंदर हम चीज़ें सेट कर सकते हैं। क्या सेट कर सकते हैं कि जो पीछे पेज का कलर है, ये जो पीछे पेज का कलर है ये ग्रीन नज़र आए हमें। ठीक है, या इस ग्रीन कलर की बजाय हमें यहाँ पर हमारी ही पीछे पिक्चर नज़र आ रही हो। ठीक है, अब ये एट्रीब्यूट है ना, मैं चाहती हूँ कि मेरी वेबसाइट का बैकग्राउंड जो है वो मेरी पिक्चर हो, और जो उसका टेक्स्ट है वो ग्रीन कलर में लिखा हो, ये हेलो वर्ल्ड ग्रीन कलर में लिखा हो, और इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड ना हो, इसके पीछे कोई कलर हो। वो क्या है मेरे पास, एट्रीब्यूट्स हैं बॉडी टैग के। क्या क्या हो सकते हैं, BG कलर का मतलब है कि पेज का बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाहते हैं। बैकग्राउंड का मतलब ये है कि आप कोई कलर नहीं रखना चाहते, आप चाहते हो कि हमने ये इमेज सेलेक्ट किया हो, ये इमेज जो है ये हमें पेज पर डिस्प्ले हो। थर्ड इज़ टेक्स्ट, कि जो हम बॉडी के अंदर टेक्स्ट या पेज के अंदर जो टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हैं वो किस किस्म का होना चाहिए। ये तीन क्या है, करेक्टरिस्टिक्स हैं, या ये तीन एट्रीब्यूट हैं किस टैग के, बॉडी टैग के। एग्जाम्पल दी, ये दो एग्जाम्पल, बॉडी का टैग ओपन किया, आपने लिखा BODY, अब आपने इसके अंदर कोई एट्रीब्यूट रखना है, इन तीनों में से कुछ भी रख सकते हैं। आप चाहते थे कि मेरे पेज का जो कलर है वो रेड शो होना चाहिए, तो आपने क्या किया, लिखा बैकग्राउंड कलर, यहाँ पर आप कलर लिख दो, या तो रेड लिख दो कलर, या फिर ये कोड लिख दो, डिफरेंट कलर स्कीमिंग के डिफरेंट कोड होते हैं। आप अगर यहाँ 6 दफ़ा F लिखोगे तो वाइट हो जाएगा, 0 लिखोगे तो भी वाइट हो जाएगा,
ये W3 स्कूल से मैं आपको दिखाऊंगी कि कलर्स की क्या क्या स्कीम्स होती हैं और वो किस तरह कलर गेट होता है। अभी आप सिर्फ सेंटेक्स समझ लें कि अगर आप बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते थे तो आपने लिखना एट्रीब्यूट बॉडी, एट्रीब्यूट कौन सा उठाना है, BG कलर वाला। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, BG कलर। BG का मतलब बैक ग्राउंड कलर। अच्छा, आप चाहते हो इसी के अंदर टेक्स्ट किस तरह लिखा हुआ नज़र आए रेड कलर में। सेकेंड एग्जाम्पल क्या दी, हम चाहते हैं बैकग्राउंड कलर पेज ना आए, हमारा कोई इमेज नज़र आए, तो उस इमेज को किस तरह लिखते हैं, बॉडी का टैग ओपन किया, कौन सा एट्रीब्यूट उठा लिया, बैकग्राउंड का। अब इसका पाथ देना है कि इमेज कौन सा, इमेज का नाम और उसकी टाइप, वो JPG इमेज है, PNG इमेज है, कौन सा इमेज है, वो यहाँ पर आपने लिख दिया। और टेक्स्ट का कलर क्या है, रेड। अब जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास क्या लिखा है, देखो वही सेम फॉर्म है, अब पीछे कलर क्या हो गया, पिंक कलर हो गया। टेक्स्ट का कलर क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने ये यहाँ पर डिफाइन किया था, ये जो 1, 2, 3, 4, 5 है, इसका मतलब है कलर क्या होगा, पिंक होगा। आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पिंक लिख दो नाम से या आप ये नंबर लिख दो, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी होती है। टेक्स्ट की आपने डेफिनेशन क्या दी हुई है कि वो रेड होना चाहिए, तो मेरे पेज का बैकग्राउंड कलर अब क्या हो गया, पिंक, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आएगा वो किस फॉर्म में नज़र आएगा, रेड कलर में। ये किसी को बेटे ना समझ आई हो, ये सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ ली HTML का। फर्स्ट पेज एक छोटा सा किस तरह से क्रिएट करना है, ये बहुत ईजी है। ओके, नेक्स्ट इज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कि हमने जो भी टेक्स्ट है उसको हमने फॉर्मेट करना चाहते हैं, लाइक पैराग्राफ्स की फॉर्म में, और तरह जिस तरह हम अपना डाटा एक्सप्लेन करना चाहते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में, हम अपनी मर्जी से अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ये एक पूरा कोड दिया हो, यहाँ पर ढेर सारा टेक्स्ट लिखा हो, आप इसकी जगह कोई भी टेक्स्ट लिख दें। ये एक्चुअली डिटेल बादशाही मॉस्क के बारे में लिखी हुई है। आप सिर्फ ये समझ लें कि HTML का टैग ओपन किया, यहाँ पर क्लोज कर दिया, देन उसके अंदर हेडर क्रिएट किया, हेडर के अंदर क्या चीज़ आ रही है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, हेडिंग क्या आनी चाहिए, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। थर्ड, आपके पास बॉडी है, बॉडी के अंदर आपने जो भी चीज़ें लिख दी वो यहाँ पर सारी डिस्प्ले हो रही हैं। अब जैसे ही आपने इस पेज को एग्जीक्यूट किया, ये जो सारा लिख के एग्जीक्यूट किया, ये आपको इस किस्म में डाटा सारा नज़र आने शुरू हो गया, ठीक है। उसने लिखा हुआ ये एक पैराग्राफ है बादशाही मॉस्क से रिलेटेड, जो कि एक रॉयल मॉस्क है लाहौर में, कमीशन बाय द 6 मुगल एम्परर ने, औरंगजेब ने उसको 1971 में बनाया था, स्टार्ट किया था 1973 में कंप्लीट हुआ था, जो भी सारी डिटेल आपने वो इस तरह डिस्प्ले करा दी। ये सारी आपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की, यानी आप किसी भी तरह का डाटा रख सकते हैं। आप देखो यहाँ पर आपको लिखा नज़र आ रहा होगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ऐसा है, ये कहाँ से आया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लिखा हुआ, ये देखो हमने टाइटल डिफाइन किया था, और जो भी ये टेक्स्ट आया इसके अंदर, ये सारा पैराग्राफ लिखा हुआ कहाँ से आया, ये सारा पैराग्राफ लिखा हुआ इस बॉडी वाले पोर्शन से आया जो हमने यहाँ पर लिख दिया था। ओके, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में आप बताया हुआ है कि आपने अगर पैराग्राफ्स में डाटा लिखना होता है ना, तो आप P का टैग यूज़ करते हो। आप देखो ये बॉडी का टैग है, इसमें सब कुछ एज इट इज़ लिखा हुआ है, कोई नहीं डिफाइन किया हुआ कि इस पहले रेफरेंस के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए, इस नीडेड के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए, 1993 के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए। ये आप अपनी मर्ज़ी से अपने डाटा को फॉर्मेट कर सकते हो जिस तरह से आप करना चाहो। अब पैराग्राफ के लिए जो टैग यूज़ होता है वो कौन सा यूज़ होता है, PP फॉर पैराग्राफ, ओपनिंग टैग होगा और इसका क्लोजिंग टैग होगा। अब पैराग्राफ आप किसी भी तरह लिख सकते हो, आप चाहते हो कि मेरा पैराग्राफ लेफ्ट साइड पे आए, राइट साइड पे आए, सेंटर में आए या जस्टिफाइड में आए, ये चार क्या हैं एट्रीब्यूट्स हैं किस टैग के, पैराग्राफ के। अगर आप ये एट्रीब्यूट नहीं लगाना चाहते तो इट्स ओके, आप सिंपली पी का टैग यूज़ करोगे तो आपका सारा टेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ की फॉर्म्स में आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ BR का टैग। BR का टैग क्या होता है, लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। जब भी आप चाहते हो कि एक लाइन से टेक्स्ट जो है अब इस नेक्स्ट लाइन पर लिखा हुआ नज़र आए, तो आप कौन सा टैग यूज़ कर लेते हो, BR का टैग यूज़ कर लेते हो। ओके, अब टेक्स्ट के स्टाइल हैं, आप अपना टेक्स्ट किस तरह का दिखाना चाहते हो। B फॉर बोल्ड, यानी कि मोटा लिखा हुआ आपको नज़र आए, ये कौन सा टैग है, बोल्ड, ठीक है। I फॉर इटैलिक, कि आपका टैग जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड फॉर्म में नज़र आए टेक्स्ट। U फॉर अंडरलाइन, कि आपको जो टेक्स्ट है उसको आप अंडरलाइन कर लो। ओके, HR वाला टैग क्या करता है, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता है, ठीक है। HR वाला टैग क्या करता है, आपके टेक्स्ट में हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करता है। इसके भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, वो लाइन की आपने लेफ्ट पे लाइन लगानी है, राइट पे लाइन लगानी है, सेंटर पे लाइन लगानी है, उस लाइन का साइज़ कितना होना चाहिए, विड्थ कितनी हो, कलर क्या, आप अपनी मर्जी के हर पैराग्राफ के साथ, हर टैग के साथ एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। ओके, ये आ गए बेटी वो हेडिंग वाली बात जो मैं आप लोगों से कर रही थी, कि हेडिंग्स के 6 साइज़ हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6।
आप अगर इसको गौर से देखो तो हेडिंग H1 वाला टैग सबसे मोटा है, ऐसा ही है। फिर हेडिंग H2 वाला टैग जो है थोड़ा उससे छोटा है। देन हेडिंग H3 वाला कम बोल्ड है, हेडिंग H4 वाला उससे भी कम है, हेडिंग H5 वाला उससे भी कम है, हेडिंग H6 वाला सबसे कम है। इसका ये मतलब कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, सपोज A B C, आपने अब आपकी जो वेब पेज की रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इसका साइज इतना होना चाहिए, तो आप इसके इर्द गिर्द कौन सा टैग यूज़ कर लोगे? H5 का टैग यूज़ कर लोगे। यहाँ पर H5 लिखा और यहाँ पर उसको क्लोज करने के लिए H5 आप लोगों ने लिख दिया। आप जो आपका ये ABC लिखा हुआ नज़र आएगा, आप इसको जिस मर्जी फॉर्मेट में लिखो मगर ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ इतना ही उठाएगा, इससे बड़ा नहीं करेगा, ठीक है। ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग साइज़ है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ सेंटर। क्या आप चाहते हो कि आपका टेक्स्ट ना लेफ्ट पे आए ना राइट पे आए, वो एक सेंटर में लिखा हुआ नज़र आए, तो उसके लिए कौन सा टैग यूज़ कर लेते हैं? सेंटर का टैग। इसके बीच में आप जो मर्जी टेक्स्ट लिखो, ABC लिखो या जो भी टेक्स्ट लिखो, वो आपको पेज के सेंटर में नज़र आएगा। ओके, फिर क्या है फॉन्ट। फॉन्ट वाला टैग क्या करता है? ये बताता है कि आपने कौन सा फॉन्ट चूज़ करना है। टाइम्स न्यू रोमन चूज़ करना है, कैलिबेरी फॉन्ट यूज़ करना है, और आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगता है, आप कौन से फॉन्ट में अपने टेक्स्ट का डाटा शो कराना चाहते हो, उसके लिए कौन सा टैग यूज़ होता है? फॉन्ट। अब फॉन्ट वाले टैग के भी आगे फर्दर तीन एट्रीब्यूट हैं कि फॉन्ट टाइम न्यू रोमन्स हो मगर वो लिखा हुआ ग्रीन कलर में ही आए, टाइम्स न्यू रोमन हो मगर उसका साइज़ जो है वो 1 से 7 होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। फॉन्ट फेस है, इसका मतलब कि जो भी आप फॉन्ट यूज़ करना चाहते हो वो टाइम न्यू रोमन है, उसका आपने नाम डिफाइन करना है। अब इसकी एग्जांपल दी, देखो टैग ओपन किए फॉन्ट का, एट्रीब्यूट क्या यूज़ किया? फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस का मतलब होता है कि कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना चाहते हो, उसका नाम क्या होगा। उसका नाम है कॉमिक सैंस MS, या आपने एक फॉन्ट यूज़ कर लिया। आप इसकी जगह टाइम न्यू रोमन, कैलिबेरी, जो आपको अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो। उसका साइज़ क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, और उसका कलर क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। अभी अंदर जो टेक्स्ट लिखा आएगा वेलकम वाला, इसका स्टाइल क्या होगा? कॉमिक सैंस MS होगा। इसका साइज़ क्या होगा? 6 पिक्सल होगा, और कलर किस में आपको नज़र आएगा वेबसाइट में? रेड कलर का। ओके, नेक्स्ट इज प्री टैग। प्री टैग क्या करता है? ये जो आपके वेब पेज के अंदर स्पेसेस और लाइन ब्रेक्स हैं उनको सपोर्ट करता है। अगर आप कोई भी डाटा वेब पेज में विदाउट प्री टैग लिखते हो तो वो ना लाइन ब्रेक को सपोर्ट नहीं करता। अगर आप चाहते हो कि पहला वर्ड ऊपर लिखा हुआ नज़र आए और सेकंड नीचे लिखा हुआ नज़र आए, तो उसके लिए आपको कौन सा टैग यूज़ करना पड़ता है? प्री का टैग यूज़ करना पड़ता है। टेक्स्ट इज डिस्प्ले इन मोनो स्पेस्ड फॉर्म। मोनो स्पेस का मतलब होता है कि वो बिल्कुल साथ नज़र आएगा, उनमें बिल्कुल मोनो या बहुत थोड़ी सी स्पेस होगी, बिल्कुल नो स्पेस के अकॉर्डिंग इक्वल होगी। टेक्स्ट इज शोन इन द सेम फॉर्मेट एज रिटन इन द एडिटर। जिस तरह आपने टेक्स्ट लिखा होता है वो एज इट इज़ ही आपको वेब पेज पर डिस्प्ले होता है, अगर आप प्री का टैग जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अगर प्री का टैग यूज़ नहीं करते तो वो टेक्स्ट हमेशा एक लाइन की फॉर्म में नज़र आता है। अगर आप प्री का टैग यूज़ करते हो तो वो जिस फॉर्मेट में आपने लिखा होगा डाटा, वो उसी फॉर्मेट में वेबसाइट में डिस्प्ले होगा। एग्जांपल देख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है जब आपने प्री का टैग नहीं यूज़ किया था, आपने हेलो वर्ड टाइप किया, तो वो कैसे नज़र आया? आपको एक लाइन में नज़र आया। मगर आप जब आपने प्री का टैग यूज़ कर लिया, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, अभी देखो हेलो वर्ड दोनों में सेम तरीके से लिखा हुआ है, सही है। इसमें भी 2 लाइन्स में लिखा हुआ, इसमें भी 2 लाइन्स में, मगर जब प्री का टैग यूज़ नहीं किया था तो इसने सबको एक सिंगल लाइन में कंसीडर किया, और जब प्री का टैग यूज़ कर लिया तो इसने लाइन ब्रेक में उसको जैसे यूज़र ने यहाँ पर लिखा था वैसे ही डिस्प्ले किया है। हाँ जी बेटे, ये किसी को ना समझ आई हो, ये आपका सारा काम जो है कहाँ तक कम्प्लीट हो गया है? प्री वाले टैग तक। नेक्स्ट आपके पास टैग जो है वो स्ट्राइक का टैग है। स्ट्राइक का टैग क्या करता है? आपके टेक्स्ट को लाइन यानी कि काटने के लिए यूज़ होता है। देन आपके पास सबस्क्रिप्ट का एक टैग है, और एक आपके पास किसका टैग है? सुपरस्क्रिप्ट का। ये जो सबस्क्रिप्ट वाला टैग है ये क्या करता है? हमें ये दिखाता है कि रेज टू पावर नीचे जो आएगी वो क्या आएगी। फॉर एग्जांपल 4 रेज टू पावर 2, ये इसकी बेस में क्या आएगा, और 5 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह आएगी, ये किसके लिए है? सुपर टाइप के लिए, और ये सब टाइप के लिए। ओके, स्ट्राइक क्या करता है? मैंने यहाँ पर लिखा A, B and C, मैं चाहती हूँ इसको काट दूँ, इसके ऊपर लाइन लगाने के लिए, डिलीट करने के लिए जो टैग यूज़ होता है वो कौन सा होता है? स्ट्राइक का टैग यूज़ होता है। आप इस कोड को ज़रा गौर से देखें क्या लिखा हुआ है। HTML बॉडी स्टार्ट की, हेड पे क्या लिखा है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। बॉडी में आ जाओ, बॉडी में हमने क्या लिखा? स्ट्राइक हेलो वर्ड,
कि आप हेलो वर्ड जो लिखा हुआ नज़र आएगा उसके ऊपर यूँ लाइन लगी होगी। देन क्या लिखा है हमने, ये बी आर का टैग यूज़ किया है, ब्रेक। हेलो वर्ड एक लाइन पे लिखा हुआ नज़र आए, देन एच लिखा नज़र आए, उसके बाद हमने कौन सा टैग ओपन किया, सब का, उसके बाद लिखा है टू और उस सब के टैग को बंद कर दिया, और फिर ओ लिखा है, फिर दोबारा क्या डाल दिया, ब्रेक। फिर हमने एक्स लिखा है, उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट का टैग ओपन किया, वैल्यू क्या दी है 5, और सुपर स्क्रिप्ट के टैग को कर दिया है बंद, फिर बॉडी का टैग भी बंद कर दिया और एचटीएमएल के टैग भी बंद कर दिया। अब देखो रिजल्ट कैसा आया, हेलो वर्ड के साथ हमने कौन सा टैग यूज़ किया था, स्ट्राइक का, इसने क्या किया हेलो वर्ड को काट दिया। एच टू ओ के साथ हमने कौन सा एच, ये टू के साथ और ओ के साथ टैग यूज़ किया, सब स्क्रिप्ट, इसका क्या मतलब, किसने टू को एच से नीचे लिख देना, तो किस तरह लिखा है एच टू ओ। एक्स के साथ हमने, ये एक्स वेरिएबल के साथ हमने सुपर स्क्रिप्ट का टैग यूज़ किया, ये क्या करेगा, एक्स की पावर में कुछ लिखना हो तो ये क्या लिख देगा, एक्स रेज टू पावर 5, ये किसी को ना क्लियर हो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। ओके बेटे नेक्स्ट, ये कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जब भी हम HTML पे काम करते हैं। अगर हमें स्पेस देनी हो टेक्स्ट के अंदर तो हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, एंड NBSP का। कॉपीराइट का सिंबल लगाना हो तो एंड के साथ कॉपी लिख देते हैं। रजिस्ट्रेशन का सिंबल लगाना हो तो एंड के साथ रजिस्ट्रेशन REG लिख देते हैं। फ्रैक्शन 1/4 में लिखनी हो तो हम एंड फ्रैक्शन 1/4 लिखते हैं, तो ये 1/4 का साइन बन जाता है। ग्रेटर देन का साइन अगर वेब पेज पे लगाना हो तो हम किस तरह लगाते हैं, एंड लिख के GT का साइन। लेस देन का साइन लगाना हो तो एंड लिख के LT का साइन। ट्रेडमार्क का साइन अगर हमने वेबसाइट में लगाना हो तो एंड लिख के ट्रेड का कीवर्ड लिख देते हैं। ओके ये एग्जांपल देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, हेडिंग स्टाइल में लिखा आना चाहिए हेलो, यानी कि हेलो बहुत बड़ा हुआ लिखा नज़र आए। उसके बाद हमने एक दफ़ा एंड NBSP की स्पेस दी, फिर एंड NBSP की स्पेस दी, फिर एंड NBSP की, ये हर एक NBSP 8 बिट्स की स्पेस लेता है, ठीक है, आपके वर्ड के टेक्स्ट में से 8 बिट की स्पेस लेगा। कितनी दफ़ा हमने इसको कॉल कर दिया, 1, 2, 3, 4 and 5 टाइम्स। अब क्या होगा, 8 बिट्स की स्पेस के बाद क्या लिखा हुआ नज़र आए, वर्ड लिखा हुआ नज़र आए, ठीक है। देन एंड दी रेट कॉपी लिख दिया, उसके बाद कौन सा साइन लिखा हुआ नज़र आना चाहिए, कॉपीराइट का ये साइन बनाना चाहिए, ये वाला टैग जो है वो ये आउटपुट देगा। उसके बाद क्या लिखा है, कॉम्प्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ IT, उसके बाद ब्रेक, और फ्रैक्शन किसकी आए, 2, 5 की। आप इसको गौर से देखो, हेलो के बाद बहुत सारी स्पेस है और वर्ड लिखा है, क्योंकि यहाँ हमने एंड NBSP कॉल किया था, फिर हमने किया था एंड कॉपी लिखा था तो ये कॉपीराइट का सिंबल आ गया, बाकी वही टेक्स्ट आ गया जो हम लिखना चाहते थे। फिर हमने लिखा था एंड फ्रैक्शन 2, 5, तो क्या लिखा आ गया, 2/5 फ्रैक्शन में। जी बेटे ये किसी को ना समझ आई हो यहाँ तक, सबको क्लियर है यहाँ तक कि किस तरह हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर रहे हैं अपने टेबल्स में, और किस तरह वेब पेज पे सारी जो डाटा है वो गेट हो रहा है हमारे पास, और किस तरह हमारा सारा डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है। एक सेकंड बेटे मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। ओके बेटे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिस्ट्स HTML में क्या होती है। लिस्ट हमारे पास बच्चे दो तरह की होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। आप सबको इन दोनों के नाम से पता चल रहा है, ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये होगा कि उसके पास वैल्यूज़ होंगी, जिस तरह 1, 2, 3, 4, 5 ABC, रोमन में 1, 2, 3, स्मॉल में ABC, कैपिटल में ABC। अनऑर्डर्ड लिस्ट में कोई भी नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है, उसमें सिर्फ ये बुलेट्स के साइन होंगे, ये स्केयर्स। ओके स्टार्टिंग टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट का यू और एल का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग बैकस्लैश से लगेगा। अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के आइटम्स क्या होंगे, उन आइटम्स के लिए क्या होता है टैग लिस्ट आइटम, ये इसका ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग भी एग्जिस्ट करता है, ओपनिंग टैग भी एग्जिस्ट करता है। ओके अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास UL था, तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास क्या होगा OL, और इसके अंदर भी सिमिलर लिस्ट आइटम्स होंगे। अब वो लिस्ट आइटम या 1, 2, 3 होंगे, कैपिटल ABC होंगे, स्मॉल ABC होंगे, रोमन में 1, 2, 3 होगा, रोमन स्मॉल रोमन में 1, 2, 3 होगा, ये सारी चीज़ें आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट में। ओके आप देखो इस टैग में आ जाओ, क्या लिखा हुआ HTML बॉडी के अंदर हमने हेडिंग देनी है किसकी, अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम। ये हेडिंग H2 है, इसके पीछे हमने H2 का टैग लगा दिया, तो ये इसलिए मोटा हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है सारा। अब हमने टैग ओपन किया अनऑर्डर्ड लिस्ट का, जो कि इसका होता है UL, ये क्या है UL। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब कि यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई नहीं नज़र आएंगी, ठीक है, लिस्ट तो बनी होगी मगर ये बुलेट्स की फॉर्म में होगी।
कितने आइटम्स होने चाहिए इसमें, तीन लिस्ट आइटम होने चाहिए, लिस्ट आइटम वन कॉफ़ी है, लिस्ट आइटम टू टी है और लिस्ट आइटम थ्री क्या है, मिल्क है। तो हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे इस पूरे कोड को, इस पूरे पेज को एग्जीक्यूट करेंगे डॉट html से सेव करके, तो ब्राउज़र में हमें इस किस्म का डाटा जो है वो डिस्प्ले होगा। इसी तरह ऑर्डर लिस्ट सेम है, फ़र्क कहाँ है, जहाँ आपने ul लिखा था वहाँ पर अब आपने क्या लिख देना है, ol, ol का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें भी लिस्ट आइटम वही सेम है, मगर फ़र्क चेक करो आप क्या लिखा रहे हैं, वन टू थ्री लिखा रहे हैं, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, ऑर्डर्ड लिस्ट गेट कर दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है, डेफिनेशन लिस्ट होती है, जिसका नाम स्टार्टिंग टैग क्या होता है, dl, डेफिनेशन लिस्ट, एंडिंग टैग उसका क्या होता है, बैक स्लैश डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन टर्म क्या होती है, वो किससे रिप्रेजेंट होती है, dt, एंड द डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके लिए टैग हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, dd। ये डेफिनेशन टर्म है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, और ये dl डेफिनेशन लिस्ट क्या है, ये मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, डिफरेंस बिटवीन html 4 एंड html 5, इन html 4 द dl टैग्स डिफाइन द डेफिनेशन लिस्ट एंड html 5 द dl टैग्स डिफाइन द डिस्क्रिप्शन लिस्ट। बस सिर्फ इन दोनों में ये फ़र्क है, डेफिनेशन लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट डिफाइन करता है dl वाला टैग। यहाँ पर आ जाए आपको समझ आ जाएगी कि डेफिनेशन लिस्ट क्या है और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या है। dl का टैग मैंने अभी आपको बताया था कि लिस्ट की डेफिनेशन के लिए यूज़ होता है। अब लिस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, कितनी उसके अंदर टर्म्स यूज़ हो रही हैं, अगर आप इस आउटपुट को गौर से देखें तो इसके अंदर दो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, एक कॉफ़ी एंड सेकेंड इज़ मिल्क, ये दो टर्म्स हैं। तो इसका क्या मतलब, हमारी डिफाइनिंग टर्म एक हो गई कॉफ़ी dt के साथ, सेकेंड डिफाइनिंग टर्म हमारे पास क्या है, मिल्क है। अब इस कॉफ़ी के अंदर डिस्क्रिप्शन क्या है कॉफ़ी की, कि कॉफ़ी किस चीज़ की बनी हुई है, ब्लैक हॉट ड्रिंक है कॉफ़ी, तो उसके लिए कौन से टैग है, डेफिनेशन dd, ये क्या है, डेफिनेशन डेटा है, dd इज डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, सॉरी dd इज डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन एंड dt इज डेफिनेशन टर्म, dl इज डेफिनेशन लिस्ट। इसका क्या मतलब कि आपने कोई लिस्ट बनानी है, डेफिनेशंस उनकी वन बाय वन प्रोवाइड करनी है। कॉफ़ी की क्या डेफिनेशन है, वो ब्लैक हॉट ड्रिंक है, मिल्क की क्या डेफिनेशन है, वो वाइट कोल्ड ड्रिंक है, ये दो डेफिनेशन डिफाइन किए। अब जो डेफिनेशन टर्म है वो कॉफ़ी है, और उसकी डेफिनेशन की डिस्क्रिप्शन क्या है कि कॉफ़ी क्या होती है, वो डिस्क्रिप्शन में डिफाइन किया हो, ये हमारे पास क्या होती है, ओवरऑल डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आती है ये दो चीज़ें। ओके, नेस्टेड लिस्ट भी हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी हम अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, एक सब कैटेगरी क्रिएट करनी है किसी चीज़ के अंदर, तो वो कैसे क्रिएट होगी। यहाँ पर एक नेस्टेड लिस्ट बताई हुई है कि एक दो तीन, कॉफ़ी टी और मिल्क एक लिस्ट है, मगर टी के पास फर्दर और भी लिस्ट है, जो कि एक ब्लैक टी है और एक ग्रीन टी है। ओके, ये किस तरह बनेगी, हमने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है, क्योंकि आप ये बुलेट के साइन से देखेंगे आपको पता लग जाएगा क्या अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट होनी है। आपने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट की, लिस्ट का पहला आइटम हमारे पास कॉफ़ी है, लिस्ट का दूसरा आइटम हमारे पास टी है। अब जो लिस्ट का दूसरा आइटम टी है, उसके अंदर भी फर्दर दो कैटेगरीज़ हैं, मैं उनको भी डिस्प्ले कराना चाहती हूँ, तो उनके लिए भी फर्दर मेरे पास क्या हो जाएगी, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ब्लैक टी और ग्रीन टी। और इसको यहीं बंद कर देना, इस लिस्ट को दोबारा यहीं बंद कर देना अनऑर्डर्ड लिस्ट को, क्योंकि ये सिर्फ टी तक जा रही है, इससे आगे नहीं जा रही। देन थर्ड आइटम मेरा क्या था, मिल्क का, और वो एज इट इज़ जैसे हमने पिछली अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट की वैसे ही क्रिएट हो जाएगी। हाँ जी बताइए, नेस्टेड किसी को ना समझ आई हो, ये दोबारा उसी की एग्जांपल दी हुई है नेस्टेड इफ की, जिसमें कॉफ़ी टी की एग्जांपल दी हुई है कि वो किस तरह टैग जो है वो क्रिएट हो रहा है। ओके बेटे, आज के लेक्चर की समरी ये कि हमने पढ़ा कि एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल के पेज के बेसिक स्ट्रक्चर क्या हैं, बॉडी का टैग किस किस्म का होता है, और बॉडी के अंदर किस तरह हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, और दो तरह की लिस्टें पढ़ ली, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक ऑर्डर्ड लिस्ट। ये जो सारा कोड है बेटे इस पे, इसी जो लेक्चर में सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसे एज इट इज़ नोटपैड ओपन करेंगे, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, और जो भी आप लिख रहे हैं उस पेज पे कोई भी नाम लिख दें, डॉट html से सेव करें, वो एक क्रोम का सिंबल बन जाएगा, उसको आप डबल क्लिक करके देखेंगे तो वही चीज़ें हुई होंगी काम जो आपने जनरेट किया था। उसके बाद आप उसमें कुछ चेंजेस करके देखें, किसी की जगह हेडिंग वन की जगह हेडिंग टू लिख के देखें, हेडिंग टू की जगह हेडिंग फोर लिख के देखें, आप इससे खेलें, जितना आप इस कोड से खेलेंगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छी समझ आएगी कि किस तरह वेब पे काम हो रहा है। ओके बेटे, नेक्स्ट लेक्चर में हम HTML का आगे फर्दर इंट्रो पढ़ेंगे, लिस्ट पढ़ेंगे और ऑर्डर लिस्ट पढ़ेंगे, वो आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड या नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।